सैमसंग एक ऐसा ब्रांड है जिसे काफी सारे लोग यहाँ पे पसंद करते हैं क्योंकि वो एक लेगेसी ब्रांड है और काफी अच्छे फोन्स भी मार्केट के अंदर लाता है। लेकिन सैमसंग के साथ कुछ ऐसी बात है जो लोगों को यहाँ पे पसंद भी नहीं आती। तो क्यों ना इस वीडियो के अंदर हम बात करें कि सैमसंग की कौन सी ऐसी चीजें जो आज के समय लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और कुछ ऐसी चीजें जो कि लोग उसे हेट करते हैं और वो अगर उन्हें फिक्स कर दे तो शायद पहले से ज्यादा एक बेटर ब्रांड भी बन सकता है लोगों के लिए। आप लोग भी अपना जो ओपिनियन है ना नीचे कमेंट में बताना। लेकिन जो सबसे पहली चीज जिसके बारे में बात करने वाला हूं ना वो है सैमसंग के फोन्स का डिस्प्ले। देखो आपको बात माननी पड़ेगी, सैमसंग अपने फोन्स के अंदर सबसे बेहतरीन क्वालिटी का एमोलेड पैनल लगाता है और उस एमोलेड पैनल की जो क्वालिटी होती है वो सबसे बेहतरीन होती है। और हालत अब मार्केट में है कि दूसरी कंपनीज को भी अगर बेस्ट क्वालिटी डिस्प्ले देना है ना तो उन्हें भी सैमसंग से एमोलेड स्क्रीन लेनी पड़ती है। यहां तक कि आईफोन में भी सैमसंग के डिस्प्ले का यूज किया जाता है। हालांकि एक छोटी सी चीज पर मैंने ऑब्जर्व करी वो भी मैं आपको बताता हूं। कभी आप लोगों ने नोटिस किया कि सैमसंग के टीवीज और सैमसंग के मोबाइल फोन्स में कभी आपको डॉल्बी विजन का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता? हालांकि इनके जो पैनल्स होते हैं उसके हिसाब से कंपैटिबल है, वो अगर दिखाना चाहे तो डॉल्बी विजन एचडीआर को दिखा सकते हैं। इसके पीछे का रीजन मैंने जानने की कोशिश करी तो ये पता चला कि सैमसंग का खुद का स्टैंडर्ड है एचडीआर 10+, वो सैमसंग ने डेवलप किया और उसे वो यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के डॉल्बी विजन का सपोर्ट ना वो अपने मोबाइल फोन में ना वो अपने टीवीज में डाल रहे हैं। अब एक छोटी सी चीज, अगर सैमसंग वाले अगर अपने मोबाइल फोन और टीवीज के अंदर डॉल्बी विजन का सपोर्ट अगर ऐड करना शुरू कर देना ये बहुत कमाल की बात होगी, क्योंकि आज के समय में ओटीटी कंपनीज भी डॉल्बी विजन के पीछे भाग रही है। यानी कि लोगों को अगर एक चॉइस मिले तो एक बेटर चीज होगी, अपने डिस्प्ले को और अच्छे तरीके से बेनिफिट उठा पाएंगे लोग। लेकिन इसके साथ बात करें तो सैमसंग के फोन के साथ एक खास बात रहती है, उसका वन यूआई। अगर आप सैमसंग के फोन का सॉफ्टवेयर यहां पर देखेंगे ना तो पिछले 10 साल में जिसका सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा इवॉल्व हुआ है किसी कंपनी का यार वो सैमसंग है। देखो तो सिंपल सी बात मैं आपको समझाता हूँ। सैमसंग का 10 साल पहले टच विज आता था, फिर एक्सपीरियंस यू आया, फिर 2019 से जब वन यू आई आना शुरू हुआ तो लोगों को बहुत पसंद आया क्योंकि उसके अंदर उन्होंने वो चीजें डाली जो लोग देखना चाहते थे। लोगों को फास्ट चाहिए, फ्लूइड चाहिए, वो डाला। फीचर चाहिए, वो डाला। कॉल रिकॉर्डिंग चाहिए लोगों को, वो डाल दी। यहाँ पे लोगों को फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, डेक्स जैसा, नॉक सिक्योरिटी, सिक्योर फोल्डर, ऐसी चीजें जो लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं और ये वन यूआई की सक्सेस का एक रीजन बना। और आज के समय में जो सबसे बेहतरीन यूआई मार्केट में देखा जाता है वो ऑब्वियसली वन यूआई है, जहाँ पे आपको फीचर सेट वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन फीचर हैवी यूआई के साथ साथ उन्होंने काम किया सॉफ्टवेयर अपडेट में और ये सैमसंग के साथ बहुत अच्छी चीज है। अगर आपने सैमसंग के फोन ऑब्जर्व करे होंगे तो उनके फोन के अंदर अपडेट बहुत आते हैं और बहुत जल्दी आते हैं, टाइम पे सिक्योरिटी पैचेस के अपडेट देते हैं। और ये फीचर सैमसंग के साथ ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि हर दूसरी चाइनीज कंपनी यहां पे कॉपी करे, क्योंकि कई कई फोन्स के अंदर तो 6-6 महीने में अपडेट नहीं आता, यह सैमसंग के फोन में हर महीने अपडेट आ जाता है। और वन यूआई अपडेट से सैमसंग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। एंड्रॉयड वर्जन के अपडेट टाइम पर देना, सिक्योरिटी पैच के अपडेट टाइम पर देना, फीचर अपडेट्स टाइम पर देना, ये एक ऐसी चीज है जहां पे सैमसंग ने लिटरली काम किया। लेकिन सब इतनी बात नहीं है, सैमसंग के हर एक फोन के साथ एक बात मैंने देखी है और वो है उनके कैमरा। दूसरी चाइनीज कंपनी की अगर मैं बात करूं तो वो अपने फोन के अंदर मेगापिक्सल बहुत बढ़ा देती है लेकिन कई बार वो क्वालिटी नहीं निकल पाती। लेकिन सैमसंग साथ एक देखा है कि हर एक फोन में जो कैमरा था वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता है। और भले ही अगर हम फ्लैगशिप की बात कर ले तो उसके बारे में तो आप जानते हो, S23 Ultra अपने कैमरा परफॉर्मेंस के कारण कितना ज्यादा जाना जाता है, उसके कैमरास को लोग यहां पे पसंद करते हैं। इवन जो रेगुलर S23 S23 Plus है उसके अंदर भी कैमरा की परफॉर्मेंस पहले से बेटर उन्होंने कर दी है। और ये बहुत अच्छी चीज है कि सैमसंग ने यहां पे काम किया है और डेफिनेटली कैमरा अच्छा करता है, और ऐसा नहीं कि अपने महंगे फोन का अच्छा करा है। हाल ही में जो गैलेक्सी F14 यहाँ पे लॉन्च हुआ था ना, उसके अंदर जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ना, उसकी क्वालिटी भी आपको 20,000 रुपए के जो चाइनीज फोन आते हैं ना उनसे बेटर देखने को मिल रही है। यार ये बहुत अच्छा काम करती है सैमसंग कि कैमरास के अंदर यहाँ पे काम कर रही है और आपको एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा रिजल्ट यहाँ पर निकाल कर दे रही है ना, काफी कमाल की चीज। और ऊपर से बात करो तो प्रोसेसर वाली बात भी लगता है उन्होंने यहाँ पे सुनी है। जैसे कि फ्लैगशिप फोन के अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी है। काफी लंबे समय से लोग डिमांड कर रहे थे कि एक्सिनोस को छोड़ के स्नैपड्रैगन के ऊपर जाइए, फ्लैगशिप के अंदर वो गए। इसके साथ ही ये भी बता सकता हूं कि स्नैपड्रैगन फॉर गैलेक्सी जो प्रोसेसर उन्होंने रिड्यूस करे वो ये कि जो रेगुलर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 आता है वो नहीं है, उसका जो बेस्ट वर्जन जो यहाँ पे क्रिएट किया था क्वालकॉम ने वो यहाँ पे सैमसंग को दिया। तो डेफिनेटली अगर आप सैमसंग के S23 लाइनअप अगर कोई लेने वाला है तो उसके अंदर जो आपको बेस्ट पॉसिबल स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर होगा ना वो देखने को मिलेगा।
ये एक अच्छी चीज है जो सैमसंग ने यहाँ पर करी थी। और इसके साथ ही देखा है तो सैमसंग के साथ जो लोगो एक बहुत अच्छी चीज लगती ना वो है उसकी आफ्टर सेल सर्विस। इतने लंबे समय से सैमसंग के फोन्स मार्केट के अंदर है, आफ्टर सेल सपोर्ट अच्छा मिलता है, सैमसंग का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, इजिली अवेलेबल होते हैं फोन्स, यहाँ तक कि हर एक प्राइस कैटेगरी के अंदर फोन्स अवेलेबल है। और एक खास बात है कि सैमसंग का 15,000 रुपए का भी फोन उठा लो चाहे 1,00,000 रुपए का भी फोन उठा लो, उन्होंने अपनी पूरी लाइनअप को 5G कर दिया। ये कुछ काफी ऐसी चीजें जो दूसरी कंपनीज को सीखनी चाहिए और ये सैमसंग के लिए काफी अच्छा हथियार यहाँ पे बन के बैठा हुआ है। लेकिन देखा है तो ये जो अच्छी बातें थी ना इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी जो सैमसंग के लिए लोगों को इतनी ज्यादा पसंद नहीं आती है। जैसे कि बात करें सैमसंग के फोन के अंदर जो वन यूआई होता है उसके अंदर ब्लोटवेयर अभी भी थोड़े से ज्यादा है। हालांकि बात की जाए तो इतनी बुरी सिचुएशन नहीं जैसे चाइनीज कंपनीज में एड्स आते हैं भर भर के चीज आती है। फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर अपना महंगा प्रीमियम फोन बेच रहे थोड़े से ब्लोटवेयर एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। कई बार ये माइक्रोसॉफ्ट की एप्स होती है, कई बार सैमसंग की फर्स्ट पार्टी खुद की एप्स होती है जैसे गैलेक्सी हो गया या फिर कुछ ऐसी एप्स हो गई। और देखा जाए तो एक्स्ट्रा एप्स जो आप फोन के अंदर डालकर दे रहे हो ना इन्हें थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक ऐसी चीज है जिसके लिए हर एक सैमसंग यूजर का एक काफी अच्छा फीडबैक है सैमसंग के लिए। अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो फोन के डब्बे से चार्जर यहाँ पर गायब हुआ है सैमसंग के, जो कि मैं कहूंगा कि इतना अच्छा मूव नहीं है। और सैमसंग को यहाँ पे काम करना चाहिए अपनी चार्जिंग टेक्नोलॉजी को थोड़ा बेटर करने के लिए, क्योंकि पूरे एंड्रॉइड में से सिर्फ वही एक ऐसी कंपनी बची है अभी जिसके पास कोई फास्ट चार्जिंग की अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि सैमसंग के पास मैं जानता हूँ ऐसे रिसोर्सेज होंगे, इतनी टेक्नोलॉजी होगी, वो अगर डेवलप करना चाहे एक अच्छा फास्ट चार्जिंग का मैकेनिज्म तो डेवलप कर सकते हैं और फोन के डब्बे में भी चार्जर डालकर दे सकते हैं। हालांकि मेरी बात को आप गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि क्रेजी फास्ट चार्जिंग डाल दे 100 वॉट 150 200 वॉट की। मैं बस चाहता हूं तो 45 से 50 या 60 वॉट तक की चार्जिंग ले अपने महंगे फोन्स में, और जितने भी मिड रेंज वाले फोन होते हैं ना 20,000 तक उनके अंदर 45 वॉट की भी चार्जिंग अगर इंट्रोड्यूस कर देना एक काफी अच्छी चीज होगी। लेकिन इसके साथ ही एक बात यह रहेगी कि सैमसंग ने ना उसने एक्सिनोस का साथ अभी भी नहीं छोड़ा। और एक्सिनोस के प्रोसेसर में ऐसा नहीं बोलूं कि बिल्कुल ही खराब है, देखो बेसिक टास्क वो एक्सिनोस के प्रोसेसर अच्छे तरीके से निकाल देते हैं। और एक्सिनोस की बदौलत ही जो सैमसंग होता है वो अपने लगभग सभी लाइनअप के अंदर यहाँ पे 5G का अवेलेबल करवा रहा है, जो कि काफी अच्छी चीज है। लेकिन अभी भी जो कमी रह जाती ना वो रह जाती थोड़ी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस की, गेमिंग की। जो सैमसंग के ज्यादातर जो फोन्स रहते हैं ना वो भी गेमिंग के हिसाब से उतने ज्यादा नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जब जब सैमसंग ने अच्छे प्रोसेसर सब फोन निकाले तो मार्केट में चले, जैसे 778G के साथ जब फोन निकाला था, ये डिमेंसिटी 900 प्रोसेसर के साथ फोन निकाला था, उसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और कहने का मतलब है कि हमेशा एक्सिनोस पे जाने से बेटर है कि अगर मार्केट में अगर एक अच्छा प्रोसेसर सेगमेंट में अवेलेबल है तो उसे भी जाके यहाँ पे चूज कर सकते हैं लोग। और ये सब देख के लगता है कि शायद सैमसंग शायद स्पेसिफिकेशन वाला गेम यहाँ पे खेलना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि शायद स्पेसिफिकेशन गेम जीत ना पाए, शायद इसलिए वो उस टाइप की स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ अच्छे स्पेसिफिकेशन वाले फोन्स भी अगर मार्केट में हो तो उसमें बुराई क्या रहेगी। इसके साथ ही बात यहाँ पे कुछ लोगों ने नोटिस करी कि सैमसंग के फोन्स वो लेने चाहते हैं लेकिन अब कीमतें जो है ना सैमसंग की वो थोड़ी सी यहाँ पे हायर सेगमेंट में हो रही है। पिछली बार जो फोन लॉन्च होता है अगला वर्जन अगर उस फोन का लॉन्च होगा तो थोड़ी सी हायर सेगमेंट में होगा। तो यार ये भी एक ऐसी चीज है जो सैमसंग के लोग इतनी पसंद नहीं आती। लेकिन इन सब के बावजूद देखा जाए तो सैमसंग काफी ज्यादा इनोवेशन करती है। सैमसंग के फोल्डेबल्स के बारे में बात करें तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने यहाँ पे डेवलप करी थी, और आज भी देखा तो दुनिया की कोई दूसरी कंपनी सैमसंग का मुकाबला नहीं कर पा रही फोल्डेबल के अंदर। और किसी को अगर लगता है कि सैमसंग वाले यहाँ पे इनोवेशन नहीं कर रहे तो उसे उनके फ्लिप और फोल्ड देखने चाहिए। तो ओवरऑल बात किया तो ये कुछ ऐसी चीज है जहाँ पे सैमसंग को लोग कुछ लोग लव भी करते हैं और कुछ लोग इन सब चीजों के लिए हेट भी करते हैं। बाय द वे आप लोगों को कौन सी चीज सैमसंग की पसंद है और कौन सी चीज ना पसंद है ये बात आप मुझे नीचे कमेंट बताना भूलिए।